उत्तर प्रदेश के बदायूं में अमित शाह का डोर टू डोर प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, लोगों ने शाह पर फूलों की बारिश की। अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह ने की जनसभा, कहा कल्याण सिंह जी का सपना पूरा हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उन्होंने राम के लिए कुर्सी छोड़ी थी। अमित शाह का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा पैसा इत्र वाले मित्र ले गए, दीवार से भ्रष्टाचार वाला पैसा निकला, एसपी तवंचों की फैक्ट्री चलाती थी। अमित शाह बोले जातिवादी सरकारों ने यूपी का भला नहीं चाहा, बबुआ ने यूपी को लूटा, हमारी सरकार में कोई भेदभाव नहीं होता। पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं से डरती थी पुलिस, अब यूपी से माफियाओं का पलायन हुआ, लाल टोपी का मतलब माफिया होता है। राहुल गांधी पर अमित शाह का निशाना, कहा राहुल गांधी को फसलों की जानकारी नहीं, कांग्रेस किसान का कभी भला नहीं कर सकती। मेरठ में सीएम योगी ने कहा यूपी सरकार ने 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 45 लाख गरीबों को आवाज मिला, 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। सीएम योगी ने अखिलेश जयंत पर कसा तंज, कहा आज फिर दो लड़कों की जोड़ी आई है, दो लड़कों की इस जोड़ी को जनता ने पहले भी ठेंगा दिखाया था। सीएम योगी ने कहा पिछली सरकार में तमंचे की चलती थी फैक्ट्री, अब यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी आदित्य सिंह ने किया नामांकन, रायबरेली सदर सीट से दाखिल किया पर्चा। टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता स्वाति सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी का हिस्सा हूं और जीवन भर रहूंगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगी। कुशीनगर के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ, एसपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ के नारे लगाए। रायबरेली में बीजेपी नेता अपर्णा यादव का जयंत चौधरी पर पलटवार, कहा समय आने पर पता चलेगा किसकी उतरेगी चर्बी। अपर्णा यादव ने कहा स्वामी प्रसाद एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उछल कूद करने वाले नेता, बीजेपी महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। बीजेपी ने अपर्णा यादव को नहीं दिया टिकट, लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थी अपर्णा यादव। असीम अरुण को कानपुर से बीजेपी ने टिकट दिया, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे असीम अरुण। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र, घोषणा पत्र में किसानों की आय दुगनी, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार समेत कई मुद्दे होंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने गाया गाना, एसपी पर साधा निशाना, बोले हम लाए हैं अपराध से यूपी निकाल के, मेरे क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। प्रत्याशियों के हार पर बीजेपी नेता जितिन प्रसाद का बड़ा बयान, कहा बीजेपी प्रत्याशी हारे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा नागेंद्र सिंह पटेल के आने से अपना दल एस मजबूत होगा। सिराथू से नामांकन पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, सिराथू में परिवार है, बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। शामली में अखिलेश और जयंत चौधरी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, का बीजेपी के खिलाफ यूपी की जनता में भारी नाराजगी। अखिलेश ने कहा ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है, यूपी के लोग नकारात्मक राजनीति नहीं चाहते। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बजट से जनता में भारी आक्रोश, सस्ते हीरे से गरीबों का क्या वास्ता, क्या पिछले सारे बजट जहर थे। जयंत चौधरी ने कहा यूपी में नहीं चलेगा जिन्ना औरंगजेब और पाकिस्तान, यहां सिर्फ होगी गन्नावाद की बात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को टिकट, कौशाम्बी के सिराथू से एसपी गठबंधन ने पल्लवी पटेल को टिकट दिया। अभिषेक मिश्रा को लखनऊ के सरोजनी नगर से एसपी ने दिया टिकट, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं अभिषेक। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए अखिलेश का ऐलान, का सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों को सम्मान देंगे, मंदिरों के पुजारियों को मानते देगी सपा सरकार। जी हिंदुस्तान की खबर पर लगी मोहर, अखिलेश ने चाचा शिवपाल को दिया गच्चा, एफपीएस पीएल को एसपी ने दी एकमात्र सीट। बीजेपी के ऑफर पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का निशाना, कहा मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना है, अमित शाह ने बीजेपी में आने के लिए ऑफर दिया था। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा हेलीपैड पर, जमा हुए थे एसपी कार्यकर्ता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए बना था हेलीपैड। आगरा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की चुनावी रैली की शुरुआत, कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी बीएसपी की सरकार। मायावती ने कहा बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति, बीएसपी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। सपा में शुरू हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, फाजिल नगर से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला, किसी स्थानीय सपा नेता को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला, स्वाति सिंह को टिकट न मिलने से नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया, स्वाति सिंह को टिकट देने की मांग। यूपी चुनाव में राहुल और प्रियंका गांधी समेत 30 नेता करेंगे प्रचार, कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रतापगढ़ के गोंडा से एसपी प्रत्याशी गुलशन यादव ने दी राजू भैया को गालियां, नुक्कड़ सभा के दौरान बोले अपशब्द, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील झाकड़ का बड़ा दावा, बोले मेरे हक में 42 एमएलए थे, सीएम बने चन्नी का नाम सिर्फ 2 विधायकों ने लिया था। आम आदमी पार्टी के सीएम पद प्रत्याशी भगवंत मान का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले पूरे पंजाब का हेल्थ और स्कूल सिस्टम है खराब।
देहरादून में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार, कहा उत्तराखंड में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जो वादे किए थे उन्हें तोड़ा गया। प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी के पास विकास के लिए नहीं विज्ञापन के लिए पैसे हैं, महंगाई से परेशान है महिलाएं। मिशन उत्तराखंड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ की मीटिंग, मुद्दों और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। उत्तराखंड चुनाव में राजनीतिक पारा हाई, केदारनाथ विधानसभा में 37 जनप्रतिनिधि बीजेपी में शामिल हुए। गोवा में सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, आम आदमी पार्टी के विधायक कट्टर ईमानदार होंगे, ना कभी बिकेंगे ना कभी किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा दौरा, कहा सिर्फ आम आदमी पार्टी ही गोवा में बना सकती है ईमानदार सरकार। बीजेपी के बजट संवाद कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कोरोना काल के बाद दुनिया में बड़े बदलाव की संभावना, पहले वाली दुनिया अब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया मजबूत भारत को देखना चाहती है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लेने होंगे नए संकल्प। पीएम मोदी ने कहा भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी, बजट का फोकस गरीब और मिडिल क्लास। प्रधानमंत्री मोदी के बजट पर संबोधन के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद रहे, दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम। तृणमूल कांग्रेस की फिर अध्यक्ष चुनी गई, ममता बनर्जी, निर्विरोध हुआ निर्वाचन।